हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चाइनीज खाने का बहुत मन है, लेकिन बाहर का हम खा सकते नहीं, तो चलिए घर में झटपट फटाफट चाइनीज कैसे बनाया जाए आज इस चीज की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। पनीर चिली एंड वेज फ्राइड राइस, जो बहुत ही फटाफट घर में बन जाएगी। और इंग्रेडिएंट्स आपको जो चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड अपनी रेसिपी बिगिन करने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी जानते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए पनीर, जो कि मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिए हैं, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ प्याज, चॉप्ड किया हुआ लहसुन एंड थोड़ा मोटा कटा हुआ शिमला मिर्च, कॉर्नफ्लोर सॉस, सोया सॉस, थोड़ी सी शुगर, नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी, मैदा एंड ये फूड कलर जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ यूज किया है, थोड़ा सा एक कलर अच्छा आ जाता है सिर्फ इसलिए, बाकी बिल्कुल भी नीडेड नहीं है। ये देखिए, मैं एक कटोरे में मैंने ऑलमोस्ट 4 स्पून ऑफ मैदा डाला है एंड 2 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी हल्की सी मिर्च, बहुत ही थोड़ा सा नमक और एकदम चुटकी भर फूड कलर, थोड़ा सा कलर देने के लिए बस। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, एकदम हमको पेस्ट बनाना है जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। अब हम लोग कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लेंगे, क्योंकि हम जो पनीर क्यूब्स है इसमें फ्राई करेंगे। अब मैं इस पेस्ट में अपने पनीर क्यूब्स को डाल के धीरे धीरे मिला लूंगी, ताकि मेरे पनीर टूटे ना। ये देखिए, इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब स्पून के द्वारा एक एक पनीर उठा के मैं इस कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लूंगी। आप ऐसे स्पून से डालेंगे तो एक एक पनीर अलग बिखरा हुआ रहेगा, हाथ से डालेंगे तो शायद ना सब एक साथ आके मिक्स हो सकता है, इसलिए मैंने स्पून का यूज किया। ये देखिए जो कलर आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ जो फूड कलर मैंने यूज किया है। आप फूड कलर नहीं यूज करेंगे तो थोड़ा सा लाइट कलर आएगा। ये दोबारा मैंने उसी प्रोसेस को रिपीट किया है एंड पनीर क्यूब्स को अब मैं पलट दूंगी। एंड ये देखिए, मेरे पनीर क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूंगी। ग्रेवी के लिए मैंने उसे ही तेल कम कर लिया है एंड मैंने चॉप्ड किए हुए लहसुन को डाला है। हम लहसुन को भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, एकदम हल्का भुनेंगे। एंड इसके बाद हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमें पूरी तरह पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कच्चापन चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई भी ना हो, इस तरीके से भुनना है। अब थोड़ा सा भुन जाए, हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के साथ भी सेम चीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है, बस हल्का सा उसका कच्चापन जो है वो चला जाए बस। ये देखिए, हमारी सब्जियाँ जैसी हमको चाहिए वैसी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ऑलमोस्ट 2 स्पून ऑफ टोमेटो सॉस एंड 1/2 to 1 स्पून सोया सॉस अब इसमें डालेंगे हम। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही हल्का सा, मतलब 4-5 स्पून बस, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने इसमें मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक, एंड ये मैंने शुगर डाली है। ये भी ऑप्शनल है बट हाँ, मतलब थोड़ा सा स्वीट एक अच्छा टेस्ट आता है तो आप ऐड कीजिए इसको। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी एंड मैंने भी बहुत स्लाइटली सा इसमें इसके बाद पानी ऐड किया है, ताकि मेरी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। एंड ये मैंने कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर डाल दिया, मैंने इसमें 1 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। ये देखिए, हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छी रेडी हो गई। इसको इससे ज़्यादा आप पानी डाल के तरी इसकी और मत बनाइए, बिकॉज फिर आपकी जो पनीर चिली है वो ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो टेस्ट में उतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा फीकापन आ जाएगा। तो ग्रेवी थोड़ी ही रखिए और पनीर को डाल के अच्छे से धीरे धीरे मिलाइए, ताकि हमारे पनीर टूटे ना। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी झटपट फटाफट मेरे घर में पनीर चिली रेडी हो चुकी है। आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं और एल्स इसके बेस्ट कॉम्बिनेशन है साथ में फ्राइड राइस, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि झटपट कैसे आप घर में फ्राइड राइस भी तैयार कर सकते हैं। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो घर पे भी चाइनीज बहुत अच्छे से रेडी हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट अब लोग स्टार्ट करते हैं फ्राइड राइस। इसके लिए ये देखिए मैंने राइस ऑलरेडी बॉईल करके रेडी कर रखे हैं। लहसुन शिमला मिर्च पतला कटा हुआ, बारीक कटा हुआ लहसुन और सोया सॉस, नमक, मिर्च, बस इतना काफ़ी। सब्जियां अगर आपके पास पत्ता गोभी हो, गाजर हो और अच्छी बात है। ये मैंने इसमें अपने बारीक कटे हुए लहसुन डाल दिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जब थोड़ा सा एक हल्का सा ब्राउन शेड आ जाए, अब मैं इसमें अपना पतले कटे हुए प्याज को डाल दूंगी। इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। अगर आप पत्ता गोभी और गाजर भी डाल रहे हैं बारीक काट के, तो इसी समय आप दोनों ऐड कर दीजिए। इस तरीके से बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा बस कच्चापन रहे। एंड हम इसमें अब हाफ स्पून ऑफ सोया सॉस डाल देंगे, हाफ टू वन स्पून आप लोग डाल सकते हैं। मैंने नमक डाला है, एंड अच्छे से अब इसको हम मिक्स करके अपने ऑलरेडी रेडी किए हुए राइस